नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, हम हमारे चैनल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ प्रस्तुत करते रहते हैं, लेकिन आज हमारे एक महान सब्सक्राइबर बंधु हैं, उन्होंने अपना नाम लेने से तो मना कर दिया, लेकिन एक बहुत ही अच्छी पहेली हमसे पूछी है और कहा है, गुरुजी आप हमारी इस पहेली का उत्तर अवश्य बताने की कृपा करें। उनकी पहेली कुछ इस प्रकार है श्रोताओं, कि आँख है पर अंधी हूँ, पैर है पर लंगड़ी हूँ, मुंह है लेकिन मौन हूँ, तो बतलाओ मैं कौन हूँ। तो श्रोताओं, इस पहेली का शाब्दिक अर्थ हम इस प्रकार से लगाते हैं कि कोई स्त्री है, वो कह रही है कि मेरे पास में आँखें हैं फिर भी मैं अंधी हूँ, और मेरे पास में पैर हैं फिर भी मैं लंगड़ी हूँ, और मेरे पास में मुँह है फिर भी मैं मौन हूँ, बोल नहीं सकती हूँ, तो बतलाओ फिर मैं कौन हूँ। तो चलिए श्रोताओं, इस पहेली का उत्तर हम लगाने की कोशिश करते हैं और इस पहेली का सही उत्तर ही हम आपको बताएंगे। उत्तर जानने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। तो एक समय की बात है, एक छोटे बच्चे के माता पिता गुजर जाते हैं और वो अपनी दादी माँ के पास में रह जाता है। दादी माँ बहुत बूढ़ी थी। उस दादी माँ के पास में एक छोटी सी भैंस थी जो थोड़ा सा चारा खाती थी और थोड़ा सा दूध देती थी। वो अपने छोटे से पोते के लिए दूध पिलाती और बचे हुए दूध को बाजार में बेच करके कुछ पैसे ले आती, और उधर से आते वक्त कुछ भी सेब, संतरा, केला, अनार आदि अपने पोते के लिए लाती रहती थी। एक दिन उस दादी का पोता अपनी दादी माँ से कहने लगता है। वो पोता थोड़ा बड़ा हो गया, 3-4 वर्ष का हो गया, तो उसने अपनी दादी को यही सवाल पूछा कि दादी माँ, मेरे लिए आप आज वो चीज लेकर के आइए जिसके आंखें हैं लेकिन वो अंधी है, और पैर हैं फिर भी लंगड़ी है, और मुंह है लेकिन मौन है, बोल नहीं सकती है। तो दादी माँ अपने पोते की बात को सुनकर के एकदम से आश्चर्य में पड़ जाती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो उसके पास में ये सारी खूबियां हैं, और अपने मन में विचार करते हुए वो दूध को बाजार में लेकर के पहुंच जाती है। श्रोताओं, बाजार से लौटते वक्त उस दादी माँ को बाजार में वही चीज दिखती है और वो उसे 5 रुपए में खरीद करके अपने झोले में डाल लेती है। झोले में डाल करके अपने घर पर आ जाती है और अपने पोते से कहने लगती है कि सुनो बेटा, मैं आपके लिए वही चीज लेकर के आई हूँ जो आपने मुझसे कही थी। अपनी दादी माँ की बात को सुनकर पोता कहने लगा कि दादी माँ, मुझे बताइए वो कौन सी चीज है। तो दादी माँ ने झट से अपने थैले में हाथ दिया और एक प्लास्टिक की गुड़िया को निकाल करके अपने पोते को दे दिया कि लो बेटा, इसकी 2 आंखें हैं लेकिन ये अंधी है, देख नहीं सकती, और इसके 2 पैर हैं लेकिन लंगड़ी है, चल नहीं सकती, और इसके मुंह भी है लेकिन ये बोल नहीं सकती, मौन रहती है। श्रोताओं, वो बेटा अपनी दादी माँ की इस वस्तु को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और उस गुड़िया से खेलने लगा। तो इस पहेली का इस प्रकार से सटीक उत्तर बैठता है। श्रोताओं, इस पहेली का उत्तर आपको सटीक लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।